बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द चैप्टर्स एंड टॉपिक्स फॉर बीएससी के जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बता दें और उनमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता दें। तो स्टूडेंट जो मेन पंजाब बोर्ड वाले हैं, अगर इनको मैं मेंशन करूं फिर मैं इंशाल्लाह सब बोर्ड के लिए आपको अपडेट करती रहूंगी, लेकिन ये जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स मैं आपको बताने लगी हूं स्टूडेंट, ये तमाम बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको गाइड करूंगी फॉर द पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी का पैटर्न है वो 10 क्वेश्चन होते हैं, आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प करने होते हैं, जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में से आपको 2 क्वेश्चन नेसेसरी होते हैं और 1 क्वेश्चन आपकी अपनी चॉइस पर होता है कि आपने पार्ट 1 में से करना है या पार्ट 2 में से। अब इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के हैं या टॉपिक्स के हैं बीएससी के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो फर्स्ट चैप्टर का नेम है ये मैं आपको लिख भी देती हूँ, फिर इसी फर्स्ट चैप्टर से जो बीएससी के हैं इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट वो भी आपको बता देती हूँ। सैम्पल सर्वे, सर्वे एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पल सर्वे एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर है स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो इससे रिलेटेड थ्योरी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास इसके एडवांटेजेस क्या हैं सैम्पलिंग के, या पॉपुलेशन क्या है, सैम्पल क्या है, या जिस सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग, तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आ जाता है जो आपने पढ़ा भी था कि इसमें प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने माइंड में रखना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी जितनी भी काइंड्स हैं ना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अक्सर डिफरेंस भी आपके पास आ जाता होता है। जिस तरह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्या पढ़ी हुई है कि जिसमें हमारे पास ईच एंड एवरी यूनिट हैज़ अ स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड जो नॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट वहाँ आप अपनी पर्सनल जजमेंट को यूज़ करते हो, जिन्हें कोटा सैम्पलिंग या परपोजिव सैम्पलिंग जो इसकी काइंड्स हैं, तो आपने डिफरेंट काइंड्स जो कि मैं नहीं लिख रही आपको ऑलरेडी मेंशन है बुक में, तो वहाँ से आपने इसको नोट डाउन करना, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह सैम्पलिंग बायस जो है वो थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सैम्पलिंग बायस क्या हैं, फिर इसकी डिफरेंट काइंड्स पूछ ली जाती है, जैसे मैं डेलिबरेट सिलेक्शन एंड सिंपल, आपके पास बहुत ज़्यादा 5 जो काइंड्स हैं वो आपने माइंड में रखनी है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सैम्पलिंग सर्वे या सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या है, सैम्पलिंग सर्वे एंड डिज़ाइन क्या है, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन की बात, ये तो थ्योरी है ना, थ्योरी इस चैप्टर की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें अक्सर कंपैरिजन आ जाते हैं, जिस तरह अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, तो स्टूडेंट वो बहुत ही उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है और ये आपने माइंड में रखना है, और आपने इसकी जो थ्योरी है वो अच्छे तरीके से तैयार करनी। अगर मैं बात करूँगी सर्वे सैम्पलिंग या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो चैप्टर आपके पास गिवन है इसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो क्वेश्चन स्टूडेंट जो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वाली क्वेश्चन है ना वो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है, शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, जहां आपको मीन भी गिवन होता है और सिग्मा भी गिवन होता है और आपने फाइंड करना होता है एटलीस्ट 1% एरिया, ठीक है, तो वो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन हैं वो आपने, वो बेशक मीन के हैं या प्रोपोर्शन के हैं, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। फिर हमारे पास इसमें जो सैम्पल प्रोपोर्शन है, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं वो भी इंपॉर्टेंट, वो आपने तैयार करने हैं। सैम्पलिंग, ये मैं मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट है और उसको भी आपने माइंड, और इनमें भी जो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं अगेन बता रही हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा स्टूडेंट ये आप माइंड में रखो कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले हैं, मैं थोड़ा सा उनको भी गाइड करती जाती हूँ कि जो सैम्पल सर्वे या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें से 2 क्वेश्चन आपके नेसेसरी आते हैं, और मैं अगेन एंड अगेन आपको एक बात कहूँगी कि 5 ईयर्स पेपर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स, उसमें अक्सर क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे होते हैं, तो हमने 5 ईयर्स पेपर अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, तो इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, पार्ट ए जो है उसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी में भी 5 क्वेश्चन होते हैं, इस चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन नेसेसरी होते हैं जो कि आते हैं आपके एग्जाम में। अगर आपको अच्छे तरीके से ये चैप्टर तैयार है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, और वो आपके बुक से रिलेटेड ही होते हैं, ना कि आपको आउट ऑफ कोर्स दिए जा रहे होते हैं।
अच्छा सेकंड चैप्टर आप वो भी इम्पॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर भी आपने तैयार करने, मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी, सारी बुक नहीं बता रही हूँ, कि जो आप चैप्टर तैयार करो अपने एग्जाम्स के लिए और आपको इंशाल्लाह वहाँ से 80-90% मार्क्स आप ले सकते हो, और अगर अच्छे तरीके से तैयार हैं तो मेरी तरफ से इंशाल्लाह 100% ले सकते हो, ये मुझे गारंटी है इस चीज़ की, क्योंकि मार्क्स आपने जो है अगर अच्छे तरीके से चैप्टर्स आपने तैयार किए हुए हैं और आपको क्वेश्चन पता है कहाँ कहाँ से आने हैं, तो अगर आप अच्छे तरीके से वो चैप्टर्स तैयार कर लेते हो तो आई होप आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। सेकेंड चैप्टर जो स्टूडेंट हमारे पास है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेज, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस एंड एस्टिमेशन, ये चैप्टर भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब इस चैप्टर में एक थ्योरी आती है जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है और एग्जाम्स में आती है, क्राइटेरिया फॉर गुड पॉइंट एस्टिमेटर, क्राइटेरिया फॉर गुड पॉइंट एस्टिमेट। अब इसमें जो फोर क्राइटेरिया ना स्टूडेंट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास क्या आ जाते हैं फोर क्राइटेरिया, मैं आपको ज़रा मेंशन कर देती हूँ ताकि आप इजीली उस चीज़ को पिक कर सको, जिसमें हमारे पास आता है अनबाइजनेस, अनबाइजनेस को आपने चेक करना होता है, इसी तरह आपने कंसिस्टेंसी को चेक करना होता है, देन आपने एफिशेंसी चेक करनी होती है, एंड लास्ट वन इज सफिशेंसी। ये फोर क्राइटेरिया हैं जो कि आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अक्सर तो आपसे मेजॉरिटी आपसे यही फुल पूछा जाता है कि क्राइटेरिया फॉर द गुड पॉइंट एस्टिमेट के, वो आपसे मेजॉरिटी फुल पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे फुल नहीं भी पूछा गया तो अक्सर अनबाइजनेस के, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी या सफिशिएंसी के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसमें जो क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस इंटरवल के, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसमें क्या आ जाते हैं, डिफरेंस ऑफ मीन्स वाले आ रहे हैं, ठीक है, मीन वाले हैं, डिफरेंस ऑफ मीन्स हैं, प्रोपोर्शन वाले हैं, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल इसमें तैयार करना है, क्योंकि यही एक चैप्टर है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेज एंड एस्टिमेशन, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है। फिर मैं आपको बताऊँ, और इसमें स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन आता है इस जो चैप्टर है इसमें से एक क्वेश्चन आता है, तो ऑलरेडी आपके जो पार्ट वन में जो आपको गिवन होते हैं 5 क्वेश्चन, उनमें से 3 क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो अगर आप फर्स्ट 2 चैप्टर स्टार्ट तैयार कर लेते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा नेक्स्ट मैं आपको चैप्टर बताती हूँ जो आपने तैयार करना है, 3rd चैप्टर ZNT डिस्ट्रीब्यूशन में से आपका क्वेश्चन आता है इसी पार्ट वन में से, तो अगर आपको ये चैप्टर मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो आप ये चैप्टर भी तैयार कर सकते हो, ये बड़ा ही अच्छा चैप्टर है और इजी चैप्टर है, इसमें मुश्किल कोई नहीं है। ये हमारे पास है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अच्छा स्टूडेंट ये भी बहुत, और ये जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ हो रहा है ये चैप्टर जो है ना, इसमें हमारे पास जी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करने, इसमें अगर आपने थ्योरी पे मेन फोकस करना है तो वो आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप कह सकते हो नल एंड आल्टरनेटिव, हमारे पास क्या होते हैं हाइपोथेसिस, ये आपने माइंड में रखना है, अक्सर इनका कंपैरिजन पूछ लिया जाता है। सेकंड आपने रखना है सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस का, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस, अक्सर आपका कम्बिनेशन या डिफरेंस इसमें पूछ लिया जाता है, और आपसे Type 1 and Type 2 error के बारे में पूछ लिया जाता है, Type 1 and Type 2 error के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये थ्योरी आपने तैयार करनी है। अच्छा अब इसमें स्टूडेंट आपके पास आ जाते हैं, ये तो जी चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन इसमें से आता है, एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब अक्सर ऐसे होता है कि आप Part 1 and Part 2 आपको गिवन होते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको ZNT, अच्छा ये जो क्वेश्चन आ रहा होता है ना वो इन 2 चैप्टर्स में, क्योंकि आपको स्टूडेंट पता है कि ZNT डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा लेस है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है अगर आपको पता हो, तो इस वजह से हमने ये दोनों चैप्टर्स तैयार रखने हैं कि आपको नहीं पता कि क्या आपका क्वेश्चन Z डिस्ट्रीब्यूशन में से आता है या T डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, तो आपको ये दोनों चैप्टर्स तैयार रखने, क्योंकि डिफरेंस थोड़ा सा है कि अगर हमारे पास सिग्मा अननोन है, डिफरेंस क्या होता है कि सिग्मा अगर अननोन है, सिग्मा अननोन है और एन ग्रेटर देन 30 है, तो आपने क्या लगाना है, जी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, जी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आपके पास सिग्मा अननोन है, आपको मालूम नहीं है
और आपके पास एन लेस देन 30 है तो आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन ये इन दोनों चैप्टर्स में से आता है, वो आपको नहीं पता होता कि क्या वो क्वेश्चन आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन में से है या जी डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, अगर आपको इनमें डिफरेंस अच्छे तरीके से पता है तो आप कर सकते हो। अच्छा, टी डिस्ट्रीब्यूशन में से मैं आपको बताऊँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट मैं लिख भी देती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और वो कौन सा हमारे पास टॉपिक है, पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का। पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस का एक क्वेश्चन आपके पास मस्ट आता ही आता है, इस वजह से आपने पेयर्ड ऑब्जर्वेशन जो है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट टू मींस विद पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, वो आपने मस्ट तैयार करनी है। फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से आपका एक क्वेश्चन आता है। अगर आप ये तैयार कर लेते हो, आपके यहाँ से भी दो क्वेश्चन आ जाएंगे, इट्स मीन आपके फाइव क्वेश्चन, यहाँ से भी वन क्वेश्चन आई थिंक आते हैं, तो ये आपके पास फोर क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपके पास पार्ट वन में फोर क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये थ्री एंड फोर चैप्टर्स जो हैं, अगर अच्छे तरीके से आपने तैयार किए हों, ये जो ये चैप्टर्स हैं दो, ये तो बिल्कुल रिलेटेड हैं एक दूसरे से, सिर्फ डिफरेंस इनमें यही आता है, बाकी इनमें फार्मूलाज भी सेम है। तो आपने ये थ्री चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो आप पार्ट वन में से फोर क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो, हालांकि आपको टोटल फाइव क्वेश्चन करने होते हैं जो ओवरऑल पेपर में से, लेकिन आप अगर ये तीन चैप्टर तैयार कर लेते हो तो आप एक पार्ट में से फोर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। देन हमारे पास आ जाता है पार्ट बी। अब स्टूडेंट, पार्ट बी जो है वो ज़रा स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट लग रहा होता है कि इसमें चैप्टर ज़रा क्रिटिकल आ जाते हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि इसमें आपने सबसे पहले जो चैप्टर तैयार करना है वो मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, शॉर्ट चैप्टर है और ईजी है, मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, और ये चैप्टर आपके पार्ट वन की जो बुक है उसमें मौजूद है, ठीक है। और इसमें से जो स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन आते हैं ना, वो अक्सर पूछ लिया जाता है रिग्रेशन की इक्वेशन या कोरिलेशन, या आपके पास स्टैंडर्ड एरर आ जाते हैं, तो ये जो क्वेश्चन हैं ये आते हैं मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में से, इनमें अक्सर इक्वेशंस पूछी जाती हैं, मेजॉरिटी जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो इक्वेशंस के। अब इक्वेशंस में भी डिफरेंट आपके पास टाइप्स होती हैं सॉल्व करने के, इसके फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज आपने याद रखने हैं इस चैप्टर के लिए। अगर आप ये चैप्टर तैयार कर लेते हो, ये बी पार्ट का फर्स्ट चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, ये एक क्वेश्चन पार्ट बी का जो है, मैं आपको पार्ट बी का बता रही हूँ कि पार्ट बी के लिए एक क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, ये पार्ट ए एंड पार्ट बी, अक्सर ये होता है कि पार्ट ए जो है आपको इस चैप्टर में से गिवन होता है, और जो पार्ट बी है वो आपको गिवन होता है जी, चैप्टर आपके पास है पार्ट बी की बुक में, टेस्टिंग इन्फ्रेंसेस इन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। अच्छा स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ना, इसमें दो तीन टॉपिक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, और आपको 100% उसमें से आता भी है क्वेश्चन, क्योंकि एक पार्ट बी आपके पास इस क्वेश्चन में आते हैं, इसमें रिग्रेशन की इक्वेशंस जो है ज़्यादा वही पूछी जा रही होती है, और आप फाइव ईयर्स के जो पेपर हैं स्टूडेंट, आपको अगेन कहूँगी कि जो उसमें रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन की जो इक्वेशंस आई हुई हैं, और मेजॉरिटी फॉर द पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए मैं ये बता रही हूँ कि जो इक्वेशंस आई हुई हैं वो आप सॉल्व करें, मेजॉरिटी आपको वही रिपीट हो रही होती है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस इन्फ्रेंसेस इन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में जो मुझे टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट में से आते हैं, जो आपके पास टॉपिक है ना इस चैप्टर का, कोरिलेशन कोफिशिएंट, इनमें से 100% आते हैं। अच्छा, इसमें सिचुएशन स्टूडेंट कितनी होती है, इसमें थ्री सिचुएशंस आपने माइंड में रखनी है, और इन्हीं थ्री सिचुएशन में से मस्ट एक क्वेश्चन आता है पार्ट बी के लिए। एक आपके पास क्या होता है, जब एच नॉट आपको गिवन होता है, रो आपके पास, रो गिवन होती है, इज स्पेसिफाइड, इज इक्वल्स टू स्पेसिफाइड वैल्यू, जब आपके पास रो जो है वो स्पेसिफाइड वैल्यू की इक्वल होती है, एंड फिर आपके पास क्या होता है, एच नॉट सेकेंड सिचुएशन आपको गिवन होती है, रो वन इज इक्वल टू रो टू, कि वो किसी और वैल्यू की इक्वल होती है, कि टू पॉपुलेशन आर इक्वल, एंड लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन, व्हेन रो इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन मुझे और भी इंपॉर्टेंट लगती है, वैसे ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब रो इज इक्वल टू जीरो होता है, और इन तीनों में से एक क्वेश्चन मस्ट आता है, तो ये तीनों टॉपिक आपने अच्छे तरीके से तैयार करने, अगर ये कर लेते हो तो एक क्वेश्चन आप इजीली फुल अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसका पार्ट ए और बी, आप अक्सर ये होते हैं कि पार्ट ए एंड पार्ट बी, इसमें पार्ट बी इसमें से गिवन होते हैं, पार्ट ए इसमें से गिवन होते हैं, और मेजॉर अक्सर ऐसे हो जाते हैं कि आपको इसमें से सेपरेट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें से सेपरेट आते हैं, लेकिन ये आपने कंबाइन जो है चैप्टर तैयार करने, क्योंकि ये रिलेट करते हैं एक दूसरे से, तो इस वजह से आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर मैं दो एक्स्ट्रा चैप्टर इसके लिए बताऊंगी जो आपने तैयार करने हैं पार्ट बी के लिए, वो आपके पास कौन कौन से चैप्टर हैं स्टूडेंट,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कहूँगी एनालिसिस ऑफ वेरियंस अनोवा, बहुत इजी चैप्टर है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने गौर से पढ़ना है क्योंकि थोड़ा लेंथी है लेकिन इसके मेथड मुश्किल नहीं है। तो एनालिसिस ऑफ वेरियंस जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है अनोवा का, आपने तैयार करना। एंड थर्ड इसमें से, और इसमें से भी एक क्वेश्चन आपके आता है, इट्स मीन आपके टू क्वेश्चन पार्ट बी में से हो जाते हैं, फिर भी आप एक चॉइस के लिए रखो कि अक्सर ऐसे होता है कि हमें ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो हमें इसमें से क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि आपने पार्ट ए में से भी टू क्वेश्चन करने होते हैं, पार्ट बी में से भी टू करने होते हैं, तो बाकी आपके पास चॉइस होती है वन की कि आप किसी में से भी कर सकते हो। तो आपने काई स्क्वायर का जो चैप्टर है वो भी तैयार करना है, वो भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसके क्वेश्चन लेंथी होते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी आपने तैयार करने हैं। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं जो पर और इनमें से मस्ट आते हैं क्वेश्चन, आप फाइव ईयर पेपर भी बार बार आपको कह रही हूँ उठा के देखें करें उसको सॉल्व, अक्सर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, पर्यन काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ इट, फॉर गुडनेस ऑफ इट, जिसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करके लगा रहे होते हैं, पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करके लगा रहे होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके लगा रहे होते हैं, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो टॉपिक है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये अटैम्प्ट करते हो तो आपके पास एक और क्वेश्चन आ जाएगा, इट्स मीन थ्री क्वेश्चन, यहाँ से फोर क्वेश्चन, तो आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, अगर उसमें से आपने 5 क्वेश्चन करने होते हैं 7 क्वेश्चन के, तो ऑलरेडी आप ये 5 से 6 चैप्टर करके तैयारी कर लेते हो। तो स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको चैप्टर्स बताएं, टॉपिक और चैप्टर और आपके पेपर से रिलेटेड बताएं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आप ये चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आई थिंक आप अच्छे तरीके से अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट टॉपिक तमाम बोर्ड्स के लिए बताऊंगी और पंजाब बोर्ड के लिए फिर अगलेदा से मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स बताऊंगी, सरगोधा बोर्ड के लिए, बावलपुर यूनिवर्सिटी जो है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जो मेरे नॉलेज में है इंशाल्लाह, तो मैं उनसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनका पेपर का पैटर्न इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।